गाइस गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग और आज देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। एक्चुअली कल कुछ रह गया था माल रोड पे, तो अभी तो फिलहाल अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और आज का मौसम थोड़ा खराब हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, ऊपर तो बर्फ गिरी है क्योंकि जो हमारे होटल के सामने के जो पहाड़ थे वो थोड़ा बर्फ से भर गए हैं, नीचे भी, लेकिन इधर नीचे नहीं हुई है बर्फबारी, ऊपर तो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को या कल सुबह हो जाएगी। हाँ मैं भी देखो वो देख वहाँ ऊपर गिर गई आज बर्फ। हाँ नहीं ऊपर तो गिरी रही है, खैर और ऊपर तो गिरी रही है, बट आज थोड़ा और नीचे गिरी है। एंड अब मनाली के अंदर कब गिरेगी, आज शाम को गिरेगी या कल गिरेगी परसों गिरेगी पता नहीं। आज उसी रोड से जा रहे हैं हम जो मनाली ओल्ड मनाली वाला रोड है, क्योंकि उस रोड पे बहुत ट्रैफिक है आज। आज ऐसी सैटरडे है, कल बहुत लोग आ चुके हैं, टूरिस्ट फुल पैक है मनाली में, और वो देखो उस पर लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। तो हम इसलिए इसी रूट से जा रहे हैं, आज माल रोड जाएंगे, उसके बाद देखते हैं हमता पास की तरफ जाते हैं, सेतन वगैरह वहाँ की लोकेशन जरा आप एक्सप्लोर करते हैं। लोग कह रहे थे वहाँ बहुत बढ़िया जगह है, मनाली से बिल्कुल दूर, मनाली के बिल्कुल ऊपर, और उधर की ही तरफ हमता पास की तरफ सारा पूरा बर्फबारी हुई है। कल वो दिखाओ जरा वहाँ, बहुत बर्फ गिरी है वहाँ हमता पास पे कल, कल के आज रात को गिरी है शायद। तो फ्रेश स्नो के लिए हमें आज जाना चाहिए था सिस्सू, लेकिन हम सिस्सू क्यों नहीं गए, क्योंकि एक तो मैं लेट उठा, लेट तैयार हुए हम, दूसरा बहुत ट्रैफिक जा रहा है सुबह से वहाँ, तो आज फंसने वाला काम होने वाले हैं वहाँ। अभी लोग कल के आए हुए हैं, अभी सो रखे हैं लोग यहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी तो कोई कहीं नहीं गया आज। कल कोई जो लोग होंगे थोड़ा लेट पहुँचेंगे क्या पता, देखना सारे रोड पे गाड़ियां लगी हुई हैं आज, कल नहीं दिनी है गाड़ियां, भीड़ हो गई है। कल अब थर्टी फर्स्ट है तो उसके लिए आए हैं लोग, थोड़े बहुत आज घूम घाम के कल थोड़े बहुत कल घूमेंगे। जगह जगह रोड पे गाड़ियां लगी हैं, शादी जा रही है, तो शादी हो रही है कोई, चुके हैं माल रोड से और हम जा रहे हैं सोलांग वैली। अभी हमारे पास टाइम है, अभी आज भी हम यहाँ हैं, कल भी हैं, तो दिन में क्या करें घर वहाँ बैठे बैठे, तो सोचा चलो घूम के आ जाते हैं सोलांग वैली। अभी वहाँ बर्फ तो है नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत राइड्स वगैरह हो रहा होगा वहाँ पे, एंड वहाँ पे ज्यादा भीड़ भी नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग उधर निकल रहे हैं। और शाम होते होते जब तक जाम का टाइम होता है स्टार्टिंग, तब तक हम लोग वापस भी आ जाएंगे। खुला हुआ है, देखो मैंने कहा ना खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या बर्फबारी नहीं है, अभी बर्फ नहीं गिरी वहाँ, जो बर्फ गिरेगी शायद उधर, क्या पता उधर रास्ता खोलेंगे फिर वो लोग। जिपलाइन 300 रुपए डबल साइड,
और तो क्या, वहां से ले आके के वहीं छोड़ देंगे क्या? वापस भी तो लेके आएंगे उस बंदे को। अब नदी के उस साइड अगर छोड़ेंगे उसे तो वहां से वापस तो लाएंगे। जैसे वहां बर्फबारी हो रही थी, वहां पे वो लोग खेल रहे थे बर्फ में, वो नदी क्रॉस करके उधर भेज रहे थे। तो जब उनका पूरा हो जाएगा, जब वो अपना मतलब कर लेंगे। दो साल पहले लगी थी एक जिप लाइन। अच्छा, आगे। और अब देखो जिप लाइन की बाढ़ आ गई है। जिप लाइन नहीं, जिप लाइन पहले तो थी नहीं, दो साल पहले एक लगी थी। तो अब जिप लाइन की बाढ़ आ चुकी है, सब जिप लाइन ही जिप लाइन। और इतनी सी जरा सा नाला क्रॉस करने के लिए भी जिप लाइन लगा रखी उन्होंने वहाँ पे, जो माल रोड से पहले था। कितना था वो बताओ तुम? एक नाला, एक नाला, दो नाले मिला के एक नदी बनी हुई है वो जरा सी, उसमें भी जिप लाइन लगा दिया है। नहीं ये तो फिर भी ठीक है ना, इतना चौड़ा है ये तो, फिर भी पूरी नदी को कवर करके ले जा रहे हैं। पर इसको वहाँ पे तो इतना सा था। जो लोग मॉर्निंग में सिसु गए होंगे वो लोग वापस आना स्टार्ट हो गया उनका, कुछ गाड़ियां अब जा रही हैं। तो शाम को लेट यही तो आते हैं फिर जो आ, जा रहे हैं। तो जो लोग बेबी उस तक आगे से आ रहे होंगे वो डायरेक्ट यहाँ सिसु जा रहे होंगे सीधा। नहीं तो कितने देर तक, दिन तक सुबह में ही बैठ रहेंगे। जो जाएगा मनाली से वो सुबह ही तो निकलेगा, मैक्सिमम 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक। और ये लोग शायद आगे से आ रहे होंगे तो डायरेक्ट निकल रहे होंगे, कुछ लेट लतीफ भी होते हैं। 10 बजे सो के उठेंगे, थके आए हैं क्या पता। फोकस नहीं करते। सुलांग का फेमस पुल, पहले यहाँ पे पुल नहीं था ना, पहले यहाँ पे ऐसे वो वाला पुल था पहले, वो उधर वाला। अच्छा। राइट में जो है वो छोटा था, लेकिन उस टाइम इतना ट्रैफिक भी नहीं था तो जाम तो नहीं लगता था यहाँ पे। पहले तो सुलांग ही जाते थे केवल खेलने लोग, और आगे तो रोड थी नहीं। रोहतांग जाते थे, और रोहतांग भी गर्मियों में जाते थे, अभी तो बंद हो गया रोहतांग। रोहतांग खुलता था तुम्हारा मई जून में, मई जून में खुलता है रोहतांग, मार्च के बाद खुलता है अप्रैल में, नहीं मई जून में। ये है वो होटल है, इस बार तो सबसे लेट रोहतांग ही खुला था इस बार। ये बाबा जी लिफ्ट मांग रहे हैं। हमारे तो इन दो नमूनों को इन्हीं के लिए जगह नहीं हो रही पीछे। अब नीचे गिर जाए आज तो बर्फ देख के चले जाएंगे, मजा ही आ जाए फिर तो। बर्फ देख के चले जाएंगे हम लोग कल अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करके, परसों सीधा घर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग में, और यहाँ पे हम पार्किंग लगा रहे हैं अपनी गाड़ी। यहाँ पे पेड पार्किंग है, ले लो यहाँ से अंदर। पेड़ पार्किंग है ये, जैसी भी होगी कि फ्री है, पेड़ हो फ्री हो, लग तो नहीं रही वैसे पेड़ है, हाँ है फ्री है ये, लगा लो कहीं पे भी। कहाँ है मतलब, क्या जहाँ जगह खाली दिख रही है वहाँ लगा लो, वहाँ सामने लगा दो। इधर लगा दो बस। चलो जी, लग गई है गाड़ी भी। तो भैया क्या दिन आ गए हैं सोलांग में, बर्फ नाम की तो यहाँ कोई चीज ही नहीं है, बर्फ से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। ये देखो पूरा सोलांग बंजर पड़ा हुआ है, और सोलांग में बर्फ के गेम्स के बजाय ये मिक्की माउस में खेल रहे हैं बच्चे। अब हम सोच रहे हैं कि जिप लाइन से ऊपर जाएं, इससे ट्रॉली से ऊपर जाएं वहाँ, और वहाँ से पैराग्लाइडिंग करें। चलो देखते हैं। पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वहाँ तक चढ़ना है ना ऊपर हजार में, वो जो थर्ड ग्रीन वो है वहाँ से कराएंगे, वो 1000 रुपीज में इस जगह से। वहाँ तक घोड़ा दे रहे हैं, मतलब घोड़ा है,
अच्छा, सोचा था पैराग्लाइडिंग करेंगे यहाँ, तो इतनी भीड़ लाइन लगी हुई है पैराग्लाइडिंग के लिए, दोनों के लिए 3500 वाली पे भी और 1000 रुपये वाली पे भी बहुत भीड़ लगी है, वेटिंग लिस्ट भी है। अरे यार अब कैसा ही करें, अब तो क्या ही करेंगे, अब ऐसा सोचते करते हैं जिप लाइन करते हैं। तो अब ये जा रहे हैं जिप लाइन में, अब आएगा मजा, भागो। हेलो 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 हेलो, कितना और ऊपर जाना है अभी तो। चुके हैं, 3:08 हो चुके हैं और हम लोग सोलांग से निकल गए हैं। गाड़ियां क्या है कि शायद थोड़ा रुक रुक के जाने लग गई हैं क्योंकि ट्रैफिक ऊपर से आ रहा है शिशु से। तो आज हमने एक नया एडवेंचर किया जिप लाइन का, व्लॉगिंग में दिख जाएगा आपको। अच्छा यहाँ पे ये टूटा हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये पत्थर सड़क बना रहे ना, इसलिए शायद थोड़ा सा जाम था, अदरवाइज जाम नहीं है, खाली है रोड।